हेलो लर्नर्स, वेलकम टू आवर चैनल। आई एम भाग्यश्री। आज का जो PYQ है ये हमारा है TOC पर, ठीक है। क्वेश्चन है अरेंज करना। ये PYQ भी अभी लेटेस्ट जो अगस्त में हुआ है 2024 में, जो रीनेट हुआ है, ठीक है, जून 2024 का। अरेंज द फॉलोइंग स्टेज ऑफ ट्यूरिंग मशीन, अरेंज करना है, ठीक है। किसका ऑपरेशंस इन द करेक्ट ऑर्डर एज दे अकर ड्यूरिंग कंप्यूटेशंस। देखिए होता क्या है जनरली, सबसे पहले क्या हम राइट कर देंगे, नहीं, सबसे पहले राइट नहीं होता। मूविंग यानी जैसे आपके पास एक टेप है, ठीक है, आपके पास क्या है, एक टेप है जनरली। वेट, मैं ना नेट ऑफ कर देती हूँ। हाँ जी, तो होता क्या है, राइटिंग अ सिंबल ऑन द टेप। दिस इज द टेप, दिस इज द ब्लैंक, दिस इज द ब्लैंक, बी इज द सिंबल ऑफ द ब्लैंक एंड वी आर राइटिंग लाइक ए बी सी, ठीक है। राइटिंग ऑन द टेप एंड द मूविंग अ हेड, दिस वन इज अ हेड कर्सर है ना, दिस मूविंग इज द हेड। राइट साइड जाना है या लेफ्ट साइड जाना है। रीडिंग, रीड करना और सिंबल रीड करना, ठीक है, सिंबल को रीड करना, लाइक इनपुट है, ट्रांजिशन है, व्हाट इज दिस। तो ट्रांजिशन टू अ न्यू स्टेट बेस्ड ऑन द करंट स्टेट एंड द सिंबल रीड। हॉल्टिंग द एंड एक्सेप्टिंग और रिजेक्टिंग द इनपुट, ठीक है। तो अब स्टेप में ऑर्डर करना है, लाइक स्टेट है तो टेप से हम बता सकते हैं हमें कहाँ मूव करना है, कौन से स्टेट पे मूव करना है, ठीक है, किससे कैसे करना है। तो वही पूछ रहे हैं। देखिए बहुत आसान है। सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले रीड करना है। हर जगह सी है, ऑप्शन सी है, तो हमको पता है पहला जो ऑप्शन है सी है, कि हमें क्या करना है, रीड करना है। हमने ए को रीड किया, अब हमें मान लो इसका राइट करना है, तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे ए को हमने हटाकर एक्स राइट कर दिया, रिप्लेस कर दिया, है ना। तो अभी हमने क्या किया, सिर्फ रीड किया, अभी हमने क्या किया, सिर्फ रीड किया, ठीक है ना। दिस इज़ द ब्लैंक टेप, बी इज़ द सिंबल ऑफ द ब्लैंक टेप, लाइक, ठीक है। तो अभी हमने क्या किया, रीड किया। नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, ट्रांजिशन टू अ न्यू स्टेट बेस्ड ऑन द करंट स्टेट एंड द सिंबल रीड, ठीक है। नेक्स्ट हम, जैसे अब हमारे ट्रांजिशन पर हम जाएंगे कि नेक्स्ट हमारा क्या है, दिस वन बी, तो अकॉर्डिंग टू ट्रांजिशन हम जाएंगे, ठीक है, न्यू स्टेट पर बेस्ड ऑन द करंट स्टेट, बेस्ड ऑन द करंट स्टेट हमारी ये है इस टाइम पे, ठीक है। एंड सिंबल रीड, अब हमारे पास जो सिंबल है अभी इसे रीड करेंगे। नेक्स्ट हम गए और हमने क्या किया, सिंबल को रीड किया, बी आ गया। नेक्स्ट ऑप्शन क्या होगा, क्या होना चाहिए, अब हमने रीड कर लिया, मान लो हमें राइट करना है। अब रीड करने के बाद या तो हम आगे जाएंगे, पहले हमने ए को रीड किया एंड हम आगे चले गए, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द न्यू स्टेट पे चले गए, अकॉर्डिंग टू ट्रांजिशन। जैसे मान लो, ठीक है, इस तरीके से न्यू स्टेट पर हम चले गए अकॉर्डिंग टू द करंट, जो भी ट्रांजिशन हमें गिवन थी उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, क्या हम मूविंग करेंगे, राइटिंग करेंगे या हॉल्टिंग करेंगे। ऑब्वियसली अगर हमें बी मिला है, हमें राइट करना है, मान लो बी हटा के हमें वाई राइट करना है, तो हम राइट कर देंगे सिंबल को, है ना, ऑन द टेप, एंड देन आफ्टर हम क्या करेंगे, मूव कर देंगे, ठीक है। अब हम कर्सर को मूव करेंगे, या तो हम राइट साइड जाएंगे या हम लेफ्ट साइड जाएंगे, है ना। तो अब हमें मूव करना है, एंड देन आफ्टर जब हमारा कंप्लीट हो जाएगा सारा ये प्रोसेस, हमारा कंप्लीट हो जाएगा, तब हॉल्टिंग एंड रिजेक्ट एक्सेप्टिंग, ठीक है, और रिजेक्टिंग द इनपुट, ठीक है। लास्ट में हमारा ये वाला पॉइंट आता है, क्या देखा है ना, जो भाई प्रोग्राम अगर एल्गोरिथम है ट्यूरिंग मशीन में, तो वो
आपका एक्सेप्ट हो जाता है, वो डिसाइडेबल हो जाता है, ठीक है। तो आपका हॉल्टिंग एंड एक्सेप्टिंग और रिजेक्टिंग द इनपुट, इनपुट या तो एक्सेप्ट होगा या फिर रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपका ऑप्शन क्या क्या बने, सी हुआ, सी के बाद आपने ट्रांजिशन किया, फिर आपने राइट किया, फिर आपने मूव किया एंड आपने हॉल्टिंग कर दिया। तो आंसर इज थर्ड, आंसर इज व्हाट, थर्ड, ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया हुआ कैसे। कई बार है ना क्वेश्चन आते हुए भी हम गलत कर जाते हैं, क्यों, क्योंकि उस टाइम हमारे जो माइंड में चल रही होती है ना घड़ी, टिक 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 टिक, वो कंप्लीट रीड नहीं करने देती है, और रीड भी कर लेते हैं तो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है यार, आते हुए भी क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं, ठीक है ना, बहुत ज़रूरी है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।